बच्चों, आज हम लोग कक्षा 4 रेनबो का लेसन 6 पढ़ेंगे, जिसका नाम है माई फैमिली। फैमिली का मतलब होता है बच्चों परिवार। माई का मतलब मेरा, यानी मेरा परिवार इस चैप्टर का नाम है, इसका मतलब है। और इस चैप्टर में एक चिराग नाम का लड़का है जिसकी स्टोरी दी हुई है और जिसने ये नैरेट किया है, ये कहानी को बताया है। तो हम इसको पढ़ेंगे और इसका हिंदी में मतलब सीखेंगे और समझेंगे। आई एम चिराग। आई एम चिराग का मतलब मैं चिराग हूँ। आई एम 13 ईयर्स ओल्ड। आई एम का मतलब मैं हूँ, 13 का मतलब 13, ईयर्स ओल्ड मतलब साल का, ठीक है। तो आई एम 13 ईयर्स ओल्ड, मैं 13 साल का हूँ। आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली इन इलाहाबाद। इलाहाबाद का नाम अब प्रयागराज हो गया है, तो मैं इलाहाबाद में, आई लिव का मतलब रहता हूँ, इन अ जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली यानी कि संयुक्त परिवार। तो मैं इलाहाबाद या प्रयागराज में एक संयुक्त परिवार में रहता हूँ। देयर आर 6 मेंबर्स इन माई फैमिली। मेरे फैमिली में, मेरे परिवार में 6 मेंबर्स सदस्य हैं, ठीक है। तो मेरे परिवार में 6 सदस्य हैं। आई हैव अ यंगर सिस्टर। सिस्टर का मतलब होता है बच्चों बहन, और यंगर का मतलब होता है छोटी। तो मेरी एक छोटी बहन है, ठीक है। हर नेम इज निकिता। उसका नाम निकिता है। शी इज वेरी नॉटी एंड स्वीट। नॉटी का मतलब होता है बच्चों नटखट। तो वह वेरी नॉटी यानी बहुत नटखट है, और एंड स्वीट, स्वीट मतलब प्यारी, और वह बहुत ही प्यारी है। माई ग्रैंड फादर इज द हेड ऑफ द फैमिली। ग्रैंड फादर का मतलब होता है बच्चों दादाजी। तो मेरे जो दादाजी हैं, माई ग्रैंड फादर इज हेड ऑफ द फैमिली। मेरे फैमिली के, मेरे परिवार के हेड हैं। हेड का मतलब मुखिया। तो मेरे दादाजी परिवार के मुखिया हैं। वी कॉल हिम बाबा जी। वी मतलब हम, कॉल हिम मतलब उनको बुलाते हैं बाबा जी, हम उनको बाबा जी कहकर बुलाते हैं। माई ग्रैंड मदर इज द सोल ऑफ द फैमिली। ग्रैंड मदर का मतलब होता है बच्चों दादी माँ। तो जो माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, इज द सोल, सोल का मतलब होता है आत्मा, ऑफ द फैमिली परिवार की, यानी कि जो मेरी दादी माँ है वह परिवार की आत्मा है। कहने का मतलब कि हमारा परिवार भले ही है, लेकिन हमारे परिवार की जो आत्मा है, जो सबसे महत्वपूर्ण सदस्य है, वह है हमारी दादी जी। वी कॉल हर दादी जी, यानी कि हम उनको क्या कॉल करते हैं, क्या बुलाते हैं, दादी जी कहकर बुलाते हैं। वी लव टू स्पेंड टाइम विद देम। वी मतलब हम लोग, लव का मतलब प्यार करते हैं या पसंद करते हैं। टू स्पेंड टाइम विद देम, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, व्यतीत करना हम लोग पसंद करते हैं या हमको पसंद है। माई बाबा जी इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है बच्चों शौकीन या शौक रखना। तो जो मेरे बाबा जी हैं वह म्यूजिक के शौकीन हैं। म्यूजिक मतलब जो हम लोग गाना सुनते हैं, गीत सुनते हैं, उसको म्यूजिक कहते हैं, ठीक है। तो मेरे बाबा जी जो हैं फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक के शौकीन हैं। ही टीचेस अस टू सिंग सॉन्ग्स एंड भजन्स। सॉन्ग्स का मतलब गाना, और भजन्स का मतलब तुमको पता ये भजन ही होता है। ही टीचेस, वह हमको टीच करते हैं, पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। अस टू सिंग, गाना, वह हमको गाना गाना सिखाते हैं और भजन गाना सिखाते हैं। माई दादी जी इज फॉन्ड ऑफ मेकिंग स्वीट डिशेस, ठीक है। डिशेस का मतलब होता है पकवान या भोजन, स्वीट का मतलब मीठा। तो जो मेरी दादी जी हैं इज फॉन्ड ऑफ, शौकीन है किस चीज़ की, मेकिंग, मेकिंग का मतलब होता है बनाना।
तो मेरी दादी जी स्वीट डिशेज मीठे पकवान बनाने की शौकीन है। शी टेल्स अस न्यू स्टोरीज एवरी नाइट। शी मतलब वह, टेल्स अस मतलब बताती है या सुनाती है, न्यू स्टोरीज नई कहानियाँ, एवरी नाइट हर रात, यानी वह हर रात को हमको नई नई कहानियाँ सुनाती हैं। माई फादर इज अ लॉयर। लॉयर का मतलब होता है बच्चों वकील, जो वकालत करते हैं कोर्ट में उनको लॉयर कहते हैं। तो माई फादर, फादर का मतलब पिता, मेरे पिता एक वकील हैं। ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन। ऑनेस्ट का मतलब होता है बच्चों ईमानदार, और पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति या आदमी, तो वह एक ईमानदार व्यक्ति हैं। माई मदर यानी मेरी माँ वर्क्स, वर्क्स का मतलब काम करती हैं, इन एन ऑफिस, एक ऑफिस में। एंड वी टेक केयर ऑफ वन अनदर वेरी वेल। और वी टेक केयर, टेक केयर का मतलब होता है ख्याल रखना, ध्यान रखना, ऑफ वन अनदर, एक दूसरे का वेरी वेल, बहुत अच्छे से। मेरी जो माता जी हैं वह एक ऑफिस में काम करती हैं, और हम लोग एक दूसरे का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। वन डे वी ऑल वेंट फॉर अ पिकनिक। वन डे का मतलब एक दिन। वी ऑल हम सब, वेंट मतलब गए, फॉर अ पिकनिक, हम सब एक दिन एक पिकनिक पर गए। द प्लेस वॉज वेरी ब्यूटिफुल। ब्यूटिफुल का मतलब होता है बच्चों खूबसूरत, वेरी ब्यूटिफुल का मतलब बहुत खूबसूरत, और प्लेस का मतलब होता है स्थान। जो स्थान था जहां हम लोग पिकनिक पर गए थे वह बहुत ही खूबसूरत था। माई बाबा जी मेड टेस्टी स्नैक्स फॉर अस। मेरे जो बाबा जी हैं, मेड मतलब बनाए, टेस्टी स्नैक्स, स्नैक्स का मतलब होता है नमकीन जो हम लोग खाते हैं, और टेस्टी का मतलब होता है स्वादिष्ट। तो जो मेरे दादाजी हैं, जो मेरे बाबा जी हैं, उन्होंने बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट स्नैक्स बनाए फॉर अस, हमारे लिए। आई प्लेड बैडमिंटन विद माई ग्रैंड मदर। आई का मतलब मैं, प्लेड मतलब खेला, बैडमिंटन, मैं बैडमिंटन खेला विद माई ग्रैंड मदर, अपनी दादी माँ के साथ, यानी कि मैं अपनी दादी माँ के साथ बैडमिंटन खेला। वी प्लेड अंताक्षरी। अंताक्षरी पता ही है बच्चों तुमको, तो हम लोगों ने क्या और प्ले किया, और क्या खेला, अंताक्षरी। वी इंजॉयड द पिकनिक वेरी मच एंड रिटर्न्ड होम बिफोर इट वॉज डार्क। वी इंजॉयड, इंजॉयड का मतलब आनंद लिया, लुत्फ उठाया, द पिकनिक, हम लोगों ने पिकनिक का बहुत ज्यादा लुत्फ उठाया, आनंद लिया, वेरी मच का मतलब बहुत ज्यादा। एंड और रिटर्न्ड होम, और होम यानी कि घर, रिटर्न मतलब वापस आना, हम लोग घर वापस आए, रिटर्न हुए, बिफोर मतलब पहले, इट वॉज डार्क यानी कि डार्क का मतलब अंधेरा या रात, तो हम लोग पिकनिक का बहुत ज़्यादा मजा लिए, और रात होने से पहले हम लोग घर को लौट आए। और अंत में लिखा हुआ है फैमिली इज वेयर लाइफ बिगिंस एंड लव नेवर एंड्स। इसका मतलब हुआ बच्चों कि फैमिली वह स्थान होती है, परिवार वह स्थान होता है जहाँ पर लाइफ शुरू होती है, जीवन शुरू होता है, एंड लव नेवर एंड्स, और प्यार कभी खत्म नहीं होता है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और चैप्टर के लास्ट में कुछ कठिन शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं, तो इनको आप लोग अपनी कॉपी में लिखें और इनका अर्थ याद करने की कोशिश करें। आगे के चैप्टर के वीडियोज़ भी इस चैनल पर आएंगे, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको कोई समस्या है या कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। ऐसे ही पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।